फिश तो आपने बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन आज जो मैं फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल डिफरेंट सी है। आज हम बनाएंगे फिश टिक्का मसाला ग्रेवी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुपर डिलीशियस सी है। ऐसी रेसिपी है ना कि जो आप खाएंगे ना तो एक बार खाते रह जाएंगे। बनाने में आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शैमा अपने चैनल कुकिंग विद शैमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे फिश टिक्का मसाला ग्रेवी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सुपर डिलीशियस मसालों के साथ इसे बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से इतनी झटपट से बन जाती है और इतनी डिलीशियस बनती है ना कि आप मेहमानों के सामने आप फिश टिक्का मसाला बनाकर रखिए या आप इसे ग्रेवी में बनाइए, दोनों में ही बहुत ही टेस्टी लगती है ये। चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर सबसे पहले टिक्का बनाने के लिए जो हमें मसाले चाहिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च, 1/4 टीस्पून जितना मैंने लिया है हल्दी पाउडर, इसे लेने के बाद आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच से कम हमने डाली है धनिया पाउडर और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें हमने डालकर इसमें डाल देना है सिरका। यहाँ पर एक टेबल स्पून जितना हमने भरकर डाला है सिरके का। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 2 बड़े टेबल स्पून आप भरकर इसमें लेमन जूस का डालिएगा। मेरे पास नींबू अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने सिरका डाला है, बट नींबू से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, तो आप यहाँ पर नींबू ऐड कर सकते हैं। 2 नींबू का जूस डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड ऑयल लेना है और इन मसालों को बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल लेते हैं ना तो ये बहुत ही बेहतरीन बनेगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल से फिश का टेस्ट बहुत ही दोगुना हो जाता है, तो आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भरकर लिया है बेसन का। यहाँ पर बेसन हमने ले लिया और इसको मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा हमारा टिक्का मसाला बनकर रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर फिश को धोकर अच्छी तरह साफ करके रखा था। ये हमारी 1.5 kg फिश है जिसे हमने इस तरह से धोकर अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया था, इनका पानी अच्छी तरह सुखा लिया था। उसके बाद इन मसालों को हमने इसमें डाल देना है और डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से हाथों से इसे मलमल के इसके ऊपर लगा देना है, जिससे कि सारी मसालों से फिश कोट हो जानी चाहिए। उसके बाद इसे हमने रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। आप फ्रिज में इसे रख दीजिए, अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो और भी बेहतरीन है, ये और भी अच्छी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर हमने 3 से 4 घंटे बाद इसे निकाला है और इसे हम बना लेते हैं। यहाँ बहुत ही कम ऑयल में ये बनेगी। यहाँ हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल इसमें हमने पैन में ऐड किया है और हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। इसे हमने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। उसके बाद हमने जो ये मैरिनेट करके फिश रखी थी ना, इसके 1-1 पीसेस हमें निकालने हैं और इस तरह से हमने इसे पैन में ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी धीमी नहीं करनी है, हमें इसे हाई फ्लेम पर ही करना है। अगर हम गैस की फ्लेम जो है स्लो कर देंगे ना तो इसका मसाला जो है सारा इसमें पानी छोड़ देगी फिश और सारा मसाला इसका रिमूव हो जाएगा, तो हमने हाई फ्लेम पर ही करना है जिससे कि इसका सारा मसाला उसी में सेटल्ड हो जाए। इस तरह से हमने हाई फ्लेम पर इसे फ्राई किया, देखिए इस तरह से उसका मसाला उसी में रहेगा और हमने अलट पलट कर बहुत ही अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। गोल्डन होने तक हमने इन्हें फ्राई कर लेना है और धीमी आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें फ्लेम को बिल्कुल धीमा नहीं करना है। इसके बाद जब ये अच्छी तरह से हमारी दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो गई है तो हमने इन्हें निकाल लेना है। और फिश को आप ना बहुत जल्दी गल जाती है, तो आप जो भी फिश लें उसमें इसी तरह से आप बनाइएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन मसालों से जो भी टेस्ट आएगा ना बहुत ही डिफरेंस आता है। देखिए इस तरह से हमारी फिश बहुत ही अच्छी गोल्डन फ्राई हो गई हैं और इनका मसाला भी देखें आप बिल्कुल भी हटा नहीं है, तो इसी तरह आपने फ्राई करना है। हमें इसे फ्राई करके निकाल लिया है और इसी तरह से जितनी भी फिशेज़ हैं ना हमने इसी तरह से इन्हें फ्राई करना है और इन्हें निकाल लेना है। इसी तरह से मैंने देखिए फ्राई करके निकाल लिया है और सेकेंड बैच भी मैंने इसी तरह से डाला और जितनी भी हमारी फिश थी इसी तरह हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर हमारी फिश टिक्का बनकर बिल्कुल रेडी है, आप मेहमानों के सामने इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही क्रिस्पी सी बनकर तैयार होती हैं। तो दावतों के लिए ये फिश टिक्का बहुत ही डिलीशियस है और इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये अभी भी आपके खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप फिश टिक्का मसाला खाना चाहते हैं तो इस तरह से भी खा सकते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं, क्योंकि हमें ग्रेवी में सर्व करना है। तो यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना लिया है ऑयल और इसमें 2 पिंच जितना हमने डाला है मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद इसे अच्छा सा हमने फ्राई करना, और जैसे ही हल्का सा ये गोल्डन होने लगती है तो हमने इसमें 3 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 3 चम्मच डाला है, आप देख लीजिए इसी तरह से डालिएगा और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लहसुन अदरक में बिल्कुल कंजूसी नहीं करिएगा,
इस तरह से डालने के बाद इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है। हमें इसका कलर बिल्कुल चेंज होने नहीं देना है, लेकिन इतना पकाना है कि इसका कच्चापन सारा चला जाए। जैसे ही इसका कच्चापन जाता है ना, तो हमने यहाँ पर एक कप जितना प्याज का पेस्ट लिया था, उसको हमने प्याज को पीस के एक कप जितना ये पेस्ट है इसको इसमें ऐड कर देना है। इसे ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और अब हमने डाल देना है इसमें टमाटर। यहाँ पर मैंने 5 से 6 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, और अगर इसके प्योरी की बात करें तो यहाँ 2 कप जितना हमने टमाटर को पीस कर लिया है, जो कि 2 कप जितना था, उसको इसमें हमने डाल दिया। और डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर देना है। टमाटर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि इससे टमाटर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, तो टमाटर आप जिसमें ज़्यादा ही डालिएगा। इस तरह से डालने के बाद अब इसमें मसालों की बारी आती है। इसमें मसाले डाल लेते हैं। यहाँ 1 टीस्पून जितना हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर गरम मसाला, 1 चम्मच हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून या आप कहिए 1 पिंच जितनी हमने डाला है इसमें हल्दी। ये सारी चीज़ें हमने डालकर और इन मसालों को जब इसमें हमने ऐड कर दिया है, तो अब हमने पानी एक्स्ट्रा कोई भी ऐड नहीं करना है। इसी मसालों में इसी जो हमने मसाला डाला है, इन मसालों को हम टमाटर और प्याज के पानी जो इसमें है उसी में हमने इसे पका लेना है। बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, और इसे हमने ढक देना है, क्योंकि इस समय मसाला बहुत ही चिटकता है, तो हमने इसे ढक कर ही पकाना है और इसे स्लो आँच पर पकाते जाना है। इसकी मसाले में ही, इसकी भुनाई से ही इसका टेस्ट आएगा, तो हमने मसाले को बहुत स्लो आँच में भूनना है। देखिए इस तरह से 10 मिनट बाद हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुनने की पे आ गया है, लेकिन अभी भुना नहीं है। तेल किनारे आने का मतलब भुना नहीं होता है। अभी हम इसको और भुनेंगे, और देखिएगा कि बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। इस तरह से देखिए चिटक रहा है, लेकिन हमने इसे बिल्कुल धीरे धीरे आँच में इसे हमने भूनते रहना है। और इसे जब हम भूनना शुरू करेंगे ना, तो देखिए इस तरह से इसका फिर से ऑयल जो होगा, जो सेपरेट हुआ था, वो फिर से अलग नहीं होगा, फिर से इसे मिक्स हो जाएगा, और ये इस तरह से भूनते भूनते दानेदार होने लगेगा। जब हमारा मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन गया है, और देखिए इस तरह से दानेदार हो गया है ना, तब हमारा मसली का मसाला बनकर रेडी होता है। अब हमने इसको क्या करना है, जब हमारा मसाला देखिए कितना खूबसूरत सा हो गया, इसका टेस्ट इस समय इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, कि जब आप इस तरह से भूनेंगे ना, जब ही आपकी फिश अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हमने इसे भून लिया है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। यहाँ पर हम डालेंगे पानी। यहाँ हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम बहुत कम डालेंगे, क्योंकि हमने ग्रेवी अच्छी बनानी है और थिक सी ग्रेवी होती है, उसमें मसाले हम ऑलरेडी अच्छे डाल चुके हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी नहीं रखना। यहाँ पर हमने पानी डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, जब ही हमने अपनी फिश को ऐड करना है। आपने पानी डालने के बाद फौरन ही फिश को नहीं डालना है, जैसे ही बॉयल आएगा ना, उसके बाद हमने जो फिश टिक्का मसाला बनाकर रखा है उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। जब हमने ये मछलियों को इसमें ऐड कर दिया ना, सारी फिशेज हम इसमें ऐड कर देंगे, पीसेस सारे फिश के पीसेस को हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसे चला देंगे बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से चलाएंगे ना कि सारी पीसेस अच्छी तरह से इसमें डूब जाने चाहिए। इस तरह से मैंने इसमें इतना पानी डाला है। उसके बाद अब हमने इसमें अच्छी तरह मिक्स करके इसे हमने ढक देना है, और इसे हाई फ्लेम पर एक अच्छा सा बॉयल आ जाने देना है। और जैसे ही बॉयल आएगा, तो इसे 15 मिनट के लिए हमने धीमी आंच पर पकाना है। उसके बाद जब इसकी स्टीम अच्छे से निकल जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हमने इसमें धनिया डाल देना है। धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और बहुत ही बेहतरीन सी हमारी फिश टिक्का मसाला बनकर, ग्रेवी मसाला बनकर रेडी है। ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी इतनी थिक सी, और देखिए ऑयल और इसमें पानी बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल मसाला और तेल ही जैसा है। बिल्कुल बहुत ही डिलीशियस सा इसका टेस्ट आता है। आप एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आने वाली है। जब आप ये फिश बनाएंगे ना, तो आप सारी फिशेज बनाना भूल जाएंगे। तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूंगी एक बहुत ही ईजी और सुपर डिलीशियस रेसिपी के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।